Time is your friend, impulse is your enemy. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 18th of January 2023। Yesterday's major activities: Sterling hits 5-week high versus the dollars, US dollar falls versus the major currencies, yen in focus. Today BOJ policy decisions are there, entire market is looking there. Dollar index अभी है आपका 102.46, ये आपका 101.77 लो आपका 16th of January में देखा गया। कल जो लो था 101.93। ये जो रेंज है बेसिकली आपका 102 से 103.75, इट्स अ मेजर सपोर्ट लेवल। अभी हमें देखना है कि इस लेवल में, इस एरिया के आसपास कंसोलिडेट करके, सपोर्ट करके, क्या ये थोड़ा सा अपमूव देता है। दैट इज आवर मेजर कंसर्न्स। आप अगर वीकली चार्ट देखोगे देन दिस इज द पार्ट। At the moment, it is trying to take support at 66 moving average. Monthly is also change in polarity wala is expected to work as a support level. I'm talking about this. So, यहाँ पे क्या एक्टिविटीज आने वाले दिनों में इस एरिया पे, इस रेंज पे डॉलर इंडेक्स सपोर्ट लेता है या नहीं, ये हमें देखने वाला बात है। डॉलर रुपी कल हमारे इंडियन मार्केट में ओपन 79, ट्रेडेड हाई ऑफ 81.89, लो ऑफ 71 एंड फाइनली क्लोज्ड एट 78। और ग्लोबल मार्केट में देखेंगे तो ये क्लोज हुआ है आपका 81.55। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो एक हमारा जो एक्सपेक्टेशंस था, आपका ये जो जोन था उसी के नजदीक आपका 82.90, 82.10, वो जो उस एरिया पे ये टच करके उसके बाद अगर नीचे के तरफ आता है देन इट इज गोइंग टू बी ए गुड डाउनवर्ड मूव। उसके लिए ये पहला तो फर्स्ट कंडीशन इज दैट इस जोन पे ये रेजिस्टेंस लेना चाहिए। सेकंड इज नीचे के तरफ, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बना के नीचे के तरफ आना चाहिए। एंड थर्ड है जो स्विंग लो है, दैट इज 81.1015 के बीच में जो ग्लोबल मार्केट का स्विंग लो है, नॉट द इंडियन मार्केट स्विंग लो, उसकी लो के नीचे जाना चाहिए। इन सच केस वी मे एक्सपेक्ट 80.50, 80.70 एज आवर नेक्स्ट टारगेट। इसको अगर हम वीकली एंड मंथली चार्ट देखने का कोशिश करेंगे, वीकली में थोड़ा सा पुल बैक कैंडल्स बना रहा है। आज थर्ड डे ऑफ द वीक है, और भी मीन्स मिड ऑफ द वीक, सो और भी टाइम बाकी है। ये अगर इस टाइप का इनसाइड बार बनाते हैं ऑन वीकली टाइम फ्रेम एंड उसके बाद लो को तोड़ता है तो काफ़ी सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मंथली में देख लेते हैं, ये जो कैंडल्स है, दिस कैंडल्स है टिपिकल कैंडल्स। एट द टॉप नॉन स्टॉप बुलिश कैंडल, बियरिश कैंडल, बुलिश कैंडल, बियरिश कैंडल बना रहा है। मीन्स यहाँ पे प्राइस काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है। ऑल्दो द रेंज इज वेरी हाई बिग, बट इट्स अ मंथली कैंडल। तो ये टिपिकल कैरेक्टर्स है ऑन डॉलर रुपी पार्ट। इसके रेंज ब्रेकआउट पे ऑन आइदर साइड, आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, एक बिग मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जीबीपी डॉलर में कल अच्छा खासा एक अप मूव देखा गया है एंड इट ट्रेडेड इन द रेंज ऑफ 1.2170 ऑन द लोअर साइड एंड 1.2300 ऑन द हायर साइड, करेंटली एट 1.2279। तो अभी भी आप देखोगे RSI जो है, इट इज ट्राइंग टू टेक रेजिस्टेंस एट 60। क्या ये रेजिस्टेंस 60 में लेके नीचे की तरफ आएगा, ये हमें देखना
इस टाइप का रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आएगा, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर हम वीकली में एंड मंथली में देखने का प्रयास करेंगे, वीकली में भी आप देखोगे ये अप्रोचिंग 60, सो इमीडिएटली वीकली टर्म्स में भी इमीडिएट रेजिस्टेंस है। मंथली में इट्स जस्ट अबोव 40 एट 44.56। यूरो जीबीपी आईएनआर देख लेते हैं, जीबीपी आईएनआर और डेली आल्सो आरएसए टर्म्स में इट इज ट्राइंग टू टेक रेजिस्टेंस एट 60। अगर वीकली एंड मंथली में देखने का प्रयास करेंगे, वीकली एट 60, मंथली इज आल्सो अप्रोचिंग 60। दैट बीइंग द केस जीबीपी आईएनआर में इमीडिएटली ऑन मींस इमीडिएटली रेजिस्टेंस है, हालांकि ये रेजिस्टेंस काफी ऊपर की तरफ है। करंट मार्केट इज 100.15, बट 102.50 से 103.50 एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है ऑन मंथली टाइम फ्रेम। उसके बाद हम देखते हैं यूरो डॉलर। यूरो डॉलर थोड़ा सा रिट्रेस किया है फ्रॉम द टॉप एंड आपका करेंटली एट 1.0788। दैट बीइंग द केस आप अगर डेली का आरएसआई देखोगे, आपका 68 से अभी एक 61.60 लेवल से, तो क्या ये 60 में सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जाएगा, ये हमें देखना है। अगर ये दोबारा ऊपर जाता है तो अच्छा खासा एक अपमूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली टर्म्स में ऑलरेडी सपोर्ट लेके 60 में ऊपर जाके फिर बैंड नीचे की तरफ एक डाउनवर्ड को प्रयास किया है, ये आपका एक नेगेटिव कैंडल बना रहा है वीकली में, बट अभी भी मिड ऑफ द वीक है, काफी प्राइस एक्शन बाकी है। मंथली एट 47, सो ये साइडवाइज दोनों साइड में जा सकता है। अगर हम डॉलर येन का देखेंगे, डॉलर येन आज बीओजे का पॉलिसी डिसीशंस के ऊपर पूरा का पूरा एंटायर मार्केट नजर रखे हुए है, सो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट येन ऑन ए बिग वे इफ सर्टेन चेंजेस आर देयर इन देयर पॉलिसीज। ये हो गया फंडामेंटल। अभी आते टेक्निकल में आप देखोगे प्राइस कहां से 114.80 लेवल से 151.94 से ये आपका 127 तक आ चुका है। एक शार्प मूव के बाद यहां पे हमें एक प्राइस एक्शन दिख रहा है। क्या प्राइस एक्शन से पहला बुलिश का बाइंग कैंडल था, उसको फिर निगेट किया एंड अभी फिर दोबारा ऊपर जा रहा है। ये अगर सस्टेन कर जाता है तो देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज फर्स्ट डॉलर येन इज एक्सपेक्टेड टू हेड टुवर्ड्स 130.50 से 131.00। वहाँ पे एक माइनर रेजिस्टेंस हो सकता है, उसको भी अगर तोड़ देता है तो ये 134 की तरफ जाने का प्रोबेबिलिटीज कर सकते। येन आईएनआर में आप देखोगे यहाँ पे एक डाइवर्जेंस, सीरीज ऑफ डाइवर्जेंस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकंड ऑफ ऑल आपका ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे अगर क्लोज दे देता है, देन वी मे एक्सपेक्ट ए शार्प फॉल इन येन आईएनआर। प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देखोगे दो बैक टू बैक बिग बुल कैंडल, उसके बाद छोटा छोटा कैंडल्स, पहला रेड छोटा कैंडल, देन ग्रीन कैंडल और उसके बाद फिर नीचे आया है। दैट मीन द केस एटलीस्ट ये आपका 0.6250 की तरफ आ सकता है। उस लेवल पे आने के बाद क्या ये सपोर्ट लेता है, ये फर्दर फॉल करता है टूवर्ड्स 0.6150, वो हमें देखना पड़ेगा। डॉलर कैंडी आपका कंसोलिडेट कर रहा है करेंटली 1.3394। आरएसआई टर्म्स में ये थोड़ा सा सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है एट 40। उसके बाद हमें देखना है कि इसको अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है फर्दर एक सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली एंड मंथली पे मींस वीकली पे तो साइडवाइज कैरेक्टर है 40-60 के बीच में, मंथली पे एक रेंज शिफ्ट दिखा है। दैट मीन दैट इज ऑन मंथली टाइम फ्रेम में एक अच्छा खासा कैंडी का एप्रिसिएशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारा टारगेट है 1.32 1.3225, जो हम
पिछले दिसंबर महीने से कोशिश कर रहे हैं उसके वो लेवल देखने के लिए, लेकिन मंथली टर्म्स में देर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि इट मे मूव टुवर्ड्स 1.29. ऑसी डॉलर कल एक मॉडरेट स्ट्रेंथ दिखा गया. अभी 16th जनवरी का जो हाई है उसके ऊपर अगर प्राइस आवरली बेसिस पे सस्टेन करते तो हम एक इमीडिएट अपमूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन ऑसी डॉलर. वीकली पे एट टिपिकल रेजिस्टेंस, आपका कौन सा रेजिस्टेंस है, ये ईएमए 66 का. यहाँ पे क्या ये रेजिस्टेंस लेगा, अगर इक्वली एलोंग विद दैट वन, अगर आरएसआई देखोगे इट इज अप्रोचिंग इट इज जस्ट एट 60. सो देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज करेंट लेवल पे ऑसी रेजिस्टेंस ले सकता है. सीएनए 6.76 फ्रॉम द लो आपका 6.6950 से ये अच्छा खासा कल एक बाउंस किया है एंड क्लोज्ड एट आपका 6.76. सो व्हाट नेक्स्ट, डेली टर्म्स में आप देखोगे एक सपोर्ट जोन था, इसके नीचे आया था, फिर दोबारा ये सपोर्ट जोन के अंदर में है. क्या ये सपोर्ट जोन के ऊपर क्लोज देता है ये हमें देखना पड़ेगा. फर्दर क्लैरिटी के लिए वीकली एंड मंथली देखते हैं. वीकली में भी एक इनसाइड बार कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, हालांकि मिड ऑफ द वीक है, बट टेकिंग ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 66 and also some sort of not exactly at 40 but nearby 40 at 37 it is trying to take support. Kya ye support le payega ya nahi hame ye CNH mein dekhna hai. UK oil 86.47 monday ko ek pull back aaya tha lekin kal us pull back ke against mein chala gaya hai. Ab dekhne wala baat ye hai ki ye higher close diya hua hai previous swing se, lekin abhi bhi स्विंग हाई को तोड़ नहीं पाया. रिसेंट जो स्विंग हाई है दैट इज आपका 86.96. ए 86.96 के ऊपर अगर क्लोज दे देता है तो एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन होगा. इन सच ए केस एनी पुल बैक वी मे गो लॉन्ग. द आरएसआई ऑन डेली टर्म्स में आप देखोगे इट इज ट्राइंग टू टेक रेजिस्टेंस एट 60. वीकली में आप अगर देखोगे वीकली में आपका 46.76 तो यहाँ पे एक अच्छा खासा प्राइस सेक्शन हो सकता है. यहाँ पे आप देखोगे एक W पैटर्न भी है ऑन वीकली टर्म्स. दैट बीइंग द केस W पैटर्न का जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है दैट इज 95.50 की तरफ एक टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर द डेली रेजिस्टेंस इज क्लियर. US 10-year ट्रेजरी 3.54 कंसोलिडेट कर रहा है. कल एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन बनाया हुआ है, एक मींस पॉज कैंडल्स. उसके बाद हमें यहाँ पे बेसिकली जब तक ये लो को नहीं तोड़ता है थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूएस ट्रेजरी के. तो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही. आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा. इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.